बंगाली बहू का जादुई खाना। देख बहना, आजकल अपने बेटों पर कंट्रोल करके रखो। मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें सुनी हैं। आजकल तो लड़के अपनी ही पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर में ले आते हैं। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा मेरे काबू में है। वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे मैं कहूंगी। और मैं तो चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की घर पर आए जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और अच्छे घर से हो, ताकि हमारी गरीबी थोड़ी मिट जाए। अब अच्छे घर से होगी तो साथ में दहेज भी लेकर आएगी। बहन, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी जैसा तू सोच रही है, तुझे बिल्कुल वैसा ही मिले और तेरी बहू अच्छे घर से हो और खूब सारा दहेज भी लेकर आए। तभी कुमकुम के घर की घंटी बजती है। लगता है दरवाजे पर कोई आया है। तुम यहाँ बैठो लता बहन, मैं बस अभी देख कर आती हूँ। कुमकुम जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसका बेटा एक बंगाली लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता है। अरे अर्जुन, ये क्या, ये सब क्या है? और ये बंगाली जोड़े में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम दोनों के गले में ये वरमाला क्या कर रही है? कुमकुम की बात सुनकर अर्जुन कहता है, माँ अब ये सारे सवाल हमसे अंदर भी तो पूछ सकती हो। अब क्या हमें आप यहीं पर खड़ा रखोगी, अंदर नहीं बुलाओगी? ऐसा कहकर अर्जुन घर के अंदर आ जाता है। अंदर जाने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ इससे मिलो, ये पूर्वी है, ये बंगाली है और मैं इसे बहुत प्यार करता था। इसकी माँ ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। अब हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर ली और आपके पास शादी करके आ गई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तूने तो कहा था कि माँ मैं आपकी ही मर्जी से शादी करूंगा। अरे माँ, इस बात को पता नहीं कितने साल हो गए और अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकता हूँ। और फिर पूर्वी बहुत अच्छी है, बेशक बंगाली जरूर है लेकिन आपका हमेशा अच्छे से ख्याल रखेगी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक मांस मछली खाने वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाएगा? अरे ये मछली चावल खाने वाली लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ माँ जी, मैं बंगाली जरूर हूँ लेकिन मैं मछली चावल नहीं खाती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपके घर के सारे तौर तरीके अच्छे से सीख लूंगी। ये देखकर लता मन ही मन मुस्काने लगती है। लंबी लंबी बातें फेंकने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया हुआ, अब इस कुमकुम को अच्छे से अकल आएगी। वैसे अच्छा मौका है आग में घी डालने का। लता अपने मन में ऐसी बातें करने के बाद अपनी सहेली कुमकुम से कहती है, अरे बहन जरा अपनी बंगाली बहू के चेहरे की तरफ देखो, कितनी प्यारी और खूबसूरत है, एकदम चांद का टुकड़ा है। ऐसी तो बहू तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। और रही घर के काम काज की बात, तो बेचारी कह तो रही है सीख जाएगी, तुझे तो अपनी बहू को स्वीकार लेना चाहिए। लता के कहने पर कुमकुम गुस्से का घूंट पी जाती है और कुछ नहीं कह पाती। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। माँ ने मेरी शादी के बहुत सारे सपने देखे थे पूर्वी, तुम तो जानती ही हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। अब माँ ने मुझे अचानक से तुम्हारे साथ शादी करके देखा तो वो अभी गुस्से में है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। माँ जी ने तो मुझे आशीर्वाद दिया ही नहीं, लेकिन आप ही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पूर्वी अपने कमरे में जाने से पहले लता के पैर छू लेती है। ये देख लता को बहुत खुशी मिलती है और लता भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन पूर्वी को कमरे में ले जाता है, जहां पूर्वी फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लेती है और रसोई में जाकर अपने पति अर्जुन के लिए खाना बनाना शुरू करती है। मैंने माँ जी से ये झूठ तो बोल दिया कि मैं मछली चावल नहीं खाती हूँ, लेकिन मछली चावल खाए बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है और ये सब सुन लेता है। मेरी प्यारी बंगाली पत्नी, तुम इतनी प्यारी हो कि मैं क्या बताऊं। तुम पहले मेरे लिए खाना बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर से मछली चावल खिलाकर लाऊंगा। अर्जुन ऐसा कहकर बात को संभाल लेता है, जिसके बाद पूर्वी अपने पति अर्जुन के लिए खाना बनाती है और अपनी सास के लिए भी। खाना खाकर अर्जुन तो तारीफ करता है, लेकिन जब पूर्वी अपनी सास के कमरे में खाना लेकर जाती है तो खाना चखते ही कुमकुम और भी गुस्से में आ जाती है। ये क्या बनाकर लाई है तू? अरे कितना बेस्वाद खाना है, तूने तो कहा था तुझे अच्छा खाना बनाना आता है, अरे यही सिखाया है क्या तेरी बंगाली माँ ने? बेचारी पूर्वी का मुंह उतर जाता है, जिसके बाद वह मायूस होकर वापस चली जाती है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अजी खाना क्या अच्छा नहीं बना है? खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक निवाला खाते ही मेरे खाने की बहुत बेइज्जती की।
अर्जुन पूर्वी को समझाता है, जिसके बाद पूर्वी उसकी बात समझ जाती है और बाकी के काम करके उसके साथ बाहर से मछली चावल खाने चली जाती। घर वापस आने के बाद वह सभी के लिए रात का खाना बनाती है, लेकिन पहली बार की तरह ही इस बार भी कुमकुम उसके हाथों का बना हुआ खाना खाती ही नहीं, जिसके चलते पूर्वी को बहुत दुख होता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जिसके चलते खाना ना खाने की वजह से कुमकुम बीमार भी पड़ने लगती है। ये सब पूर्वी से देखा नहीं जाता। आखिर मैं अपनी सास को कैसे खुश करूं, जिससे वह मेरे हाथों का खाना खा ले। भगवान कुछ तो उपाय निकालो। पूर्वी ऐसा सोचकर बचा हुआ खाना जानवरों को खिलाने के लिए बाहर लेकर आती है, तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटी, ये खाना मत फेंको, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं बाबा जी, वैसे भी मेरी सास को मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं आता, आप ही खाकर बताइए, क्या मेरे खाने में कोई कमी है। पूर्वी सारा खाना उस बूढ़े आदमी को खिला देती है और वह बूढ़ा आदमी शौक से सारा खाना खा जाता है। इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बूढ़ा आदमी इतना कहते ही देवता के रूप में आ जाता है। मैं अक्सर अच्छे लोगों की परीक्षा लेने के लिए आया करता हूँ, जिसके चलते तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। देवता जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे एक वरदान दे दीजिए, जिससे मैं जो भी खाना बनाऊं वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खाना हो और मेरी सास को भी पसंद आ जाए। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, जैसे धन दौलत और अपनी जरूरत की कोई भी चीज, लेकिन तुमने अपनी सास के बारे में सोचा, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज के बाद जब भी तुम कुछ भी बनाओगी तो लोग तुम्हारे खाने की तरफ खींचे चले आएंगे और जिंदगी भर तुम्हारे हाथों के बने हुए खाने के गुणगान करेंगे। देवता ऐसा कहकर पूर्वी को वरदान देता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद पूर्वी रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। मेरी सास को चाय बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ की चाय पिएंगी या नहीं। पूर्वी के चाय बनाते बनाते उसकी चाय की खुशबू कुमकुम की नाक तक पहुंच जाती है, जिसके चलते उससे रुका नहीं जाता और वह फौरन किचन में पहुंच जाती है। इतनी अच्छी चाय की खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, मुझे भी चाय पीनी है, जल्दी से बना कर दो मुझे। कुमकुम के कहने पर पूर्वी एक कप में चाय करके कुमकुम को दे देती है। चाय पीने के बाद कुमकुम को भूख भी लगने लगती है। बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जाओ अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आओ। एक चाय पीते ही कुमकुम का पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है, ये देखकर पूर्वी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह रसोई में ऐसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। अरे वाह, क्या खुशबू है, पूर्वी तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरा खाना खाना नहीं बल्कि जादुई खाना है कि कोई भी इस खाने के पीछे खींचा चला आए। उसी समय अर्जुन भी ड्यूटी पर से आ जाता है और अपनी माँ को पूर्वी के हाथों का खाना खाते हुए देख खुश हो जाता है। आखिरकार तुमने माँ को खाना खिला ही दिया, वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी खाना है। अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। ये सब देख पूर्वी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से कुमकुम रोजाना पूर्वी के हाथों का बना हुआ खाना खाती और स्वस्थ रहने लगती है। ओहो, ये सुबह क्यों होती है, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, मेरी बैठी का वक्त हो गया। अपनी आंखें मलने के बाद प्रिया जैसे ही बेड के साइड टेबल पर देखती है तो उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाकर कहती है, भाभी, ओ भाभी, अरे कानों में ईयरफोन लगाकर बैठी हो क्या, जल्दी यहाँ आओ। नंद की आवाज सुनकर उसकी भाभी शेफाली हाथ में बेटी लिए हुए आती है। अरे नंद जी, आप उठ गई, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी तो, आपको पता है ना मैं पागल हो जाती हूँ, अब क्यों लाई हो। नंद जी, मैं आपके पास बेटी लेकर ही आ रही थी कि साहिल जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं उनका टिफिन देने लग गई। अब भैया का नाम लेकर मुझसे बचना चाहती हो, अगर भैया का टिफिन टाइम से बांध देती तो मेरा काम भी टाइम से कर लेती, पर आपसे बहाने करवा लो, जाओ मुझे नहीं पीना। ननंद भाभी का शोर सुनकर सास कविता कहती है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों सुबह सुबह शोर मचा रही हो,
अरे माँ, जब इनको पता है रोज मुझे आँख खुलते ही बैठी चाहिए होती है, फिर इन्होंने देर लगाई, ये कोई कहने वाली बात है क्या? अरे एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता क्या शेफाली? सॉरी नंद जी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जा जाकर टेबल पर इसके लिए नाश्ता लगा। इस तरह शेफाली को अपनी ननंद ही नहीं बल्कि सास की भी सुननी पड़ती है और फिर वो चुपचाप वहां से रसोई में जाकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी नाश्ता करती हैं। तभी ननंद भाभी के बनाए खाने में नुस्क निकाल कर वो कहती है, लगता है भाभी अब खाना बनाना भूल गई हैं। देखना इसमें नमक भी नहीं है। अरे इस नास पीटी का अब काम करने में मन नहीं लगता, इसको बताना पड़ेगा। माँ जी, नंद जी, आप दोनों ने ही कल रात को कहा था कि खाने में नमक कम डालना। नंद जी, आप तो डाइट कर रही हैं फिर। वो हाँ, तो मेरी मर्जी, कल से करूंगी डाइट, आप इसमें नमक डालो थोड़ा। और हाँ भाभी, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। ए बहुरिया, जितना मेरी बेटी बोले उतना काम कर दिया कर, समझ आई बात? जी माँ जी। ये कहते ही शेफाली घर के काम करने लग जाती है, कपड़े धोने से लेकर पूरे घर की सफाई करती है। इसी बीच बेचारी बहू को एक पल की फुर्सत भी कभी नहीं मिलती थी। दरअसल शेफाली की शादी होने के बाद से ही सास कविता और नंद प्रिया का मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। उन्होंने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया, हमेशा से शेफाली ने ही सारा काम किया है। नंद तो बेवजह अक्सर शेफाली पर चिल्लाया करती थी। इस बात से शेफाली को बहुत बुरा तो लगता था, लेकिन सीधी होने के कारण वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसकी भाभी जूस का गिलास रखकर चली जाती है। प्रिया का सारा ध्यान टीवी पर था, जिस कारण गलती से उसका हाथ लगकर गिलास टूट जाता है और इस पर वो चिल्लाकर कहती है, ये क्या, ये कांच का गिलास टूट गया? अब माँ मुझे बहुत डांटेंगी। ओ भाभी की बच्ची, जरा इधर आना। क्या है ये सब? क्या हुआ नंद जी? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? जरा ये देखो, आप जूस का ग्लास कहाँ रख कर गई थी? आपकी वजह से ये ग्लास टूटा है। अगर माँ ने कुछ बोला तो आपकी खैर नहीं। अब चकल क्या देख रही है मेरी, साफ करो इसे। ये सब होता हुआ दूर से शेफाली का पति साहिल देख लेता है और कहता है, हर दिन के साथ प्रिया की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। माँ के लाड़ प्यार ने इसे सिर पर चढ़ा कर रख दिया है। बेचारी शेफाली को कभी भी सुना देती है, एक काम नहीं करती। अब जब तक ये किसी के घर की बहू नहीं बनेगी, इसे अपनी भाभी की तकलीफ समझ नहीं आएगी। इसके लिए मुझे लड़का देखना ही पड़ेगा। ये कहकर साहिल अपने कमरे में चला जाता है, जहां शेफाली की कमजोर हालत देखकर वो कहता है, शेफाली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? रात को बोला था मैंने कि बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन मेरी सुनती ही कहां हो तुम? कोई बात नहीं जी, ठीक हूं मैं। कुछ ठीक नहीं है। आज तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना, आज सिर्फ बेड रेस्ट। पर ऐसे कैसे जी, प्रिया दीदी को भूख लगेगी, किसी के लिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया, वो परेशान हो जाएंगी। आज सारा काम प्रिया संभालेगी, वही खाना बनाएगी। प्रिया, प्रिया जरा इधर आना। आवाज सुन प्रिया कमरे में आती है। साहिल उसे शेफाली की हालत के बारे में बताकर खाना बनाने को कहता है। ये सुनकर ननंद बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं क्यों करूँ घर का काम? चाहे भाभी बीमार पड़े या ना पड़े, घर की बहू वो है, मैं नहीं। और मुझे भूख लग रही है, इन्होंने तो बनाया ही नहीं है, मुझे क्या है, मैं बाहर से ऑर्डर करके खा लूंगी, बाहर में जाए बाकी सभी। ऐसा कहकर वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी, तभी साहिल और कविता उसके पास आकर कहते हैं, प्रिया खाना बना लिया और खुद खा रही है, जरा हमसे भी पूछ लेती, माँ को कब से भूख लग रही है। अरे उनसे ज्यादा तो मुझे भूख लग रही थी, और मेरा बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपना खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया। आप भी ऑर्डर करके खा लो। खाना ऑर्डर किया है तो सबका ही कर लेती, लेकिन वो तो तुझसे हुआ ही नहीं। मैं तेरा इतना पक्ष लेती हूँ और तुझे अपनी माँ की भी फिक्र नहीं है। अरे डिस्टर्ब मत करो माँ, खाने दो आप मुझे। देख लिया माँ, आपने अपनी लाडली बेटी को, अब इसकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। अपनी बहन की और हरकतें देखकर साहिल उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेता है। अगले दिन, प्रिया मैंने तेरे लिए लड़का देख लिया है, अब तू शादी करेगी। जरूरत नहीं है भैया, मैं लव मैरिज करूंगी, आप उस लड़के से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छा है। अच्छा है मैंने लव मैरिज के बारे में बता दिया, कम से कम ससुराल में जाकर मुझे कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसकी पसंद से शादी कर दे। साहिल और कविता प्रिया की पसंद के लड़के वीर से उसकी शादी करा देते हैं।
शादी के बाद सास के कहने पर उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। लगातार काम करने से उसे थकान होती है और बर्तन घिसते हुए वो बोलती है, हे भगवान, काम करते करते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। खाना बनाओ, रसोई साफ करो, फिर बर्तन भी मांजो, फिर खाना खाओ। अपने घर में तो मैं कभी भी खाना खा लिया करती थी, और यहाँ काम खत्म करने के बाद पति के खाने के बाद खाना खाना पड़ता है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो अच्छा है, बर्तन साफ हो गए, अब खाना खा लेती हूँ। अभी प्रिया खाने बैठी ही थी कि उसकी सास सुमित्रा उसे आवाज लगाती है। अरे बहू, जरा मेरे कमरे में आ, देख तो जरा अलमारी में चूहे घुस गए हैं, और जल्दी से इन्हें निकाल वरना मेरे नए नए कपड़े फट जाएंगे। हे भगवान, नॉट अगेन, मैंने एक निवाला खाया भी नहीं है कि माँ जी ने मुझे बुला लिया। आई माँ जी। फिर प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है और डरते हुए चूहे को भगाती है। शुक्र है माँ जी, चूहे चले गए, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे कमरे में क्यों जा रही है, ये जो आधे कपड़े गिर गए हैं इसे अलमारी में तो लगा दे। ठीक है माँ जी। सास के कहने पर उसे कपड़े तय करने पड़ते हैं, फिर जाकर वो खाना खा पाती है। वक्त गुजरता है। सुमित्रा उसे सारा दिन काम में उलझा कर ही रखती थी, और कुछ काम गलत हो जाने पर वो उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े धो रही होती है तो वो कहती है, सोचा था लव मैरिज है, कुछ काम नहीं करना पड़े, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। चाहे कोई सा भी ससुराल हो, काम तो करना ही पड़ता है। आज मुझे पता चल रहा है मैंने भाभी के साथ कितना अन्याय किया है। वो कितना भाग दौड़ करके एक टांग पर काम करती थी। मुझे घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद प्रिया अपने पति के साथ मायके पहुँच कर अपनी भाभी के पैरों में गिर कर माफी मांगते हुए कहती है, भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आप पर चिल्लाया, आपकी परेशानी कभी नहीं समझी कि आप कैसे काम करती थी, लेकिन जब ये चीज मैंने ससुराल जाकर महसूस की तो मुझे एहसास हुआ। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बहन जैसी हो, और नंद भाभी के बीच ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती रहती है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत है। चलो अच्छा है, तुझे सबक मिल गया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आखिर में ननंद अपनी ससुराल लौटकर एक नई शुरुआत करती है।